कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ उपखंड कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक भगवान साय सैनी के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल व रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी के साथ ही कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका। पूर्व विधायक भगवान साय सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। पूर्व विधायक भगवान साय सैनी ने बताया कि पेट्रोल डीजल रसोई गैस व खाद्य सामग्री के दामों में लगातार वृद्धि से मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग व किसान वर्ग के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इस दौरान नगर पालिका चेयरमैन विष्णु कुमार सैनी भी उपस्थित रहे। पेट्रोल और गैस का सिलेंडर, खाद्य पदार्थ और तेल, इस भाव के अंदर भाव बढ़ रहे हैं, उसके विरोध में आज यहाँ पंचायत जनता को राष्ट्रपति जी के नाम पे इसको महंगाई में कमी की जाए। आम किसान गरीब सबकी कमर टूट चुकी है, इसलिए इस पर ज्ञापन किया। पेट्रोल कर दिए थे ना राजस्थान सरकार ने, पहले ही केंद्र सरकार ने एक बार भी नहीं किए। राजस्थान सरकार ने पहले कम किए थे, दो दिन बाद पैसे बढ़ा दिए केंद्र सरकार ने वापस। अब रोज पैसे बढ़ा बढ़ा के 100 से ऊपर पेट्रोल हो गया, डीजल 95-96 रुपये डीजल है, और ऐसे गैस के दाम सिलेंडर के दूने से ज़्यादा हो गए। कांग्रेस शासन में जो 370 रुपये का था, 820 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था, और तेल सरसों का 200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो सरसों का तेल।